हॉरर फिल्म अमावस में नरगिस फाखरी पहली बार हॉरर फिल्म में काम करने जा रही हैं। फिल्म में नरगिस के ऑपोजिट सचिन जोशी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिस घर में इस फिल्म की शूटिंग हुई वो हॉन्टेड थी? Well, the entire experience of shooting a horror film is a memory for itself. मतलब एक ऐसी लोकेशन पे जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे अलग अलग किस्म के एक्टर्स हैं, सबका अलग अलग तरीका शूट करने का, द एंटायर कास्ट एंड क्रू शूटिंग एक्सपीरियंस. आई मीन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी वुड बी द हॉरर सीक्वेंसेस. मतलब एक तो पता था कि ये जगह हॉन्टेड है, उसके बाद अगर सबको बताएंगे तो सारे डर जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, और खुद जानते हुए किसी और को बता नहीं सकते, वॉज इट्स सेल्फ वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी. बट एट द एंड दोस मोमेंट्स, दोस हॉरर सीक्वेंसेस, मतलब जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो वो इतना डरावना था, जब उसको एडिट पे देख रहे हैं वो इतना डरावना था, जब वो टेक्नोलॉजी या VFX के साथ आप देखोगे, इट्स अ एक्सपीरियंस दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर. सो होल एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग द फिल्म वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. हॉन्टेड प्लेस में शूटिंग करते वक्त क्या आपको कोई दिक्कत नहीं हुई या कुछ ऐसा जो आपने पहले नहीं देखा हो? कोशिश बहुत की एडिटर ने देखने की, ढूंढने की, मिला नहीं ऐसा कुछ. बट यस, एक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दी, इन द सेंस नॉट ऑन द एडिट टेबल बट अदरवाइज वाइल शूटिंग द फिल्म. यू नो, कभी अचानक ही, क्योंकि दो सेक्शन उस घर के बंद थे जहाँ पे हमको बिल्कुल अलाउड नहीं था जाना या हमको उस तरह जाना, तो एक इंट्रीक था कि एक बार जाके देखते हैं वहाँ पे उस तरफ क्या, छत पे जाके. तो मैंने एक बार ट्रायल भी किया, बट वाइल शूटिंग इन द नाइट्स व्हेन आई वाज नॉट शूटिंग, भूषण टोल्ड मी अबाउट कपल ऑफ इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस. मतलब सब जो शूटिंग के इक्विपमेंट्स हैं, सडनली कुछ ऑफ हो जाते थे, कुछ ऑन हो जाते थे, बट कोई रीजन नहीं होता. देयर वाज वन रूम, मतलब कोई रीजन नहीं होता था, मतलब एवरीथिंग है, सब जनरेटर में फ्यूल भरा हुआ है, टेक्नीशियंस बराबर लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, बट कोई रीजन नहीं होता था चीज़ें बंद हो जाने का. फिर उनको स्टार्ट करो, मतलब कुछ कुछ टाइम पे गैप्स पड़ते थे शूटिंग में, नो रीजन, फॉर नो रीजन. तो वो एक फीलिंग हुई थी. आपको बता दें कि फिल्म को डायरेक्ट भूषण पटेल ने किया है और फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होगी. बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायावी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें.